हेलो डियर फ्रेंड, टेक्निकल साइंस इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड बुक का पहला लेक्चर, जो पहला चैप्टर है तरंग गति एवं इसका अनुप्रयोग। ठीक है, आइए मेन टॉपिक इसका क्या है फर्स्ट में देखते हैं। तरंग गति किसे कहते हैं? ठीक है, तरंग गति किसे कहते हैं? तो तरंग मैंने आपको होता है कि तरंग का अर्थ होता है लहर, लहर जो होता है उसे तरंग का अर्थ होता है। ठीक है, और तरंग का अभिप्राय अधिक व्यापक होता है और जहाँ यह कई प्रकार के कंपन या दोलन को व्यक्त करता है। कहने का मतलब ये है कि कई प्रकार के कंपन और दोलन को इसने व्यक्त करता है। ठीक है, व्यक्त करता है, और तरंग के द्वारा ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। ठीक है, इसके कहने का मतलब यह है कि जब तरंग को, तरंग का मतलब यह है कि लहर, लेकिन इसके कहने का मतलब यह है कि अधिक व्यापक होता है और जहां कई प्रकार के कंपन या दोलन को व्यक्त करता है, और तरंगों द्वारा ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि इसका जब ध्वनि हम किसी चीज़ को बजाते हैं उसे एक स्थान से दूसरे स्थान से ले जाया जा सकता है, जैसे साउंड वेव हो गया, उसी को कह रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। पहला यांत्रिक तरंग किसे कहते हैं? यांत्रिक तरंग ठीक है, वे तरंग जिनको आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। कहने का इसका मतलब यह है कि जो हम किसी भी माध्यम को आगे बढ़ने के लिए हमें तरंग चाहिए, जैसे एग्जांपल में आपको देखा जाए कि आमतौर पर आप जल में पत्थर फेंकेंगे तो जल की जो सतह है वो कंपन जो उत्पन्न करती है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि पत्थर लेकर जल में फेंका होगा तो लगातार कंपन मतलब ध्वनि देते हुए आगे बढ़ती है, उसी को कह रहा है यांत्रिकी तरंग। या आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा चमगादड़ जो होती है वो तरंग यांत्रिकी वेग के ही माध्यम से आगे बढ़ती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। इस माध्यम से, इस ड्राइंग से आप समझिए कि ये रहा। ठीक है, एक हाथ में हम लोग रस्सी ले रखे हैं। ठीक है, एक रस्सी ले रखा है और इस माध्यम से हम लोग एक रस्सी को इस तरीके से झटके देते हैं तो एक माध्यम से होते ही दूसरे माध्यम तक ये उत्पन्न मतलब चला जाता है। ठीक है, कभी देखिएगा आप किसी रस्सी से झटकारिएगा तो ऐसे इस तरीके से कंपन होता है। ठीक है, आप इस ड्राइंग को बना लीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नोट में पढ़ेंगे यांत्रिकी का, नोट में किन किन बातों का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, एग्जाम में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यांत्रिक तरंग के गति के माध्यम के कण उत्पन्न स्थान नहीं छोड़ता है एवं अपनी साम्यवस्था के सापेक्ष कंपन करता है। कहने का इसका मतलब है, जो ड्राइंग में आपको रस्सी के मदद से दिखाया वही कह रहा है, और दूसरा पॉइंट का कह रहा है कि इन सब के अतिरिक्त वे तरंग जिनकी गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और विद्युत चुम्बकीय तरंग कहलाता है। जिसे कहने का मतलब ये है कि इनको जब गति करना होता है, जैसे कि गति करना होता है तो किसी सामान्य मतलब वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मतलब किसी भी वस्तु की आवश्यकता तो पड़ती है पर किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि आपको रस्सी में दिखाया गया एक ये माध्यम रहा, जैसे हम एक माध्यम रहे तो उस माध्यम से एक रस्सी को झटका जाए तो माध्यम की तरह जा रहा है, पर इसको दिशा की मतलब नहीं चाहिए कि हम इसमें ही जाए, जिधर वो माध्यम की तरफ बढ़ेगा वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आपको समझा देते हैं प्रकाश का तरंग और उष्मा विकर्ण के इत्यादि। आपने कभी भी देखा होगा कि जो घर में हम लोग का खिड़की दरवाजे लगे होते हैं, हल्की सी जो रोशनी धूप से आ रही होगी तो उस धूप की रोशनी से कण आते हैं बाहर अंदर। ठीक है, बाहर से अंदर एक कण आते हैं बहुत बारीक वाले, उसी कण के प्रकार से इस एग्जाम्पल को आप समझ कर एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को आगे हम पढ़ेंगे यांत्रिकी तरंग के कितने प्रकार होते हैं, या आपको क्वेश्चन में किस तरीके पूछेगा कि यांत्रिकी तरंग दो प्रकार की होती है। ठीक है, आप तो ये लिख देंगे कि यांत्रिकी दो प्रकार की होती है, पर क्वेश्चन क्या पूछेगा कि प्रगामी तरंगें कितने प्रकार की होती है, या तरंग
यांत्रिकी तरंग कितने प्रकार की होती है, तो आपको दो दो लिखना है, ठीक है। दो प्रकार की कौन कौन, आइए देखते हैं। दो प्रकार की तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुधारे तरंगे, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगे और अनुधारे तरंगे। अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं, जिस तरंग के माध्यम से चलने वाली तरंग गति की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करता है, उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। इसके कहने का मतलब है बुक के माध्यम से कि जिस तरंग के माध्यम में चलने पर माध्यम के कण तरंग गति की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करता है, उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाएंगे, या आप दूसरे इसका डिफिनेशन वर्ड में अपने से याद कर सकते हैं। वे तरंग जिनमें माध्यम कणों का विस्थापन तरंग की गति की दिशा के लंबवत होता है। जैसे हम आपको कण के विषय में बताया, जो प्रकाश के अंदर आते हैं कण, ठीक है, इसके विषय में कह रहा है। ये आपको एग्जांपल के तौर पर समझाएगा। वो देखिए, ये ड्राइंग है, ठीक है। कहने का मतलब ये कि ये विस्थापन है, ठीक है, गति के लंबवत की दिशा में चलता है। ये श्रृंखला है जो कि ये गति के माध्यम से चल रहा है, ठीक है, गति के माध्यम से चल रहा है। उदाहरण से क्या समझते हैं इसे, कि एक रस्सी को हिलाने को उत्पन्न तरंग और शांत जल में पत्थर मारने से जल में सतह पर उत्पन्न तरंगे, ये दोनों से एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। जो हम रस्सी लाते हैं, आपको ऊपर भी बताया था, रस्सी लाते हैं वो तरंग वेग उत्पन्न करती है, या जो अस्थिर जल में या बहाव जल में पानी पत्थर मारते हैं तो उत्पन्न वो तरंगे जो लगातार चली जाती है, उसी को हम अनुप्रस्थ तरंग या यांत्रिक तरंग कहते हैं, ठीक है, या तरंग गति कहते हैं। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, अनुधारे तरंग किसे कहते हैं। अनुधारित तरंग किसी माध्यम में तरंग चलने पर यदि माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समानांतर कंपन करता है, उसे तरंग की अनुधारित तरंग कहते हैं। जैसे स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे। कहने का इसका मतलब ये है, आइए आपको हम दूसरे वर्ड में आपको डिफिनेशन याद करने का तरीका बताते हैं। कि याद करेंगे कि वे तरंग जिनमें माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग की गति की दिशा में होती है, उसे हम अनुधारित तरंग कहते हैं। स्प्रिंग आपके एग्जाम्पल के माध्यम ये कह रहा है कि जब हम किसी भी स्प्रिंग को लेते हैं, ठीक है, जब हम स्प्रिंग को लेते हैं तो ये स्प्रिंग है, ये इस तरीके से कंपन करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आप किसी भी स्प्रिंग को कंपन करते हैं तो थोड़ी सी मतलब वो जकड़ी होती है कहीं कहीं, और कहीं कहीं दूरी कतारे से लगी होती, मतलब खींचने पर आप इस साइड से और इस साइड से खींचिएगा तो इस साइड में इतना दूरियाँ होगी और बीच में विरल हो जाएगा, ठीक है, संपीड़न। यही कह रहा है ये कि जो हम दोनों साइड से खींचते हैं, हम ये वाले इधर से, तो जो जो इस तरीके से होती है उसे संपीड़न कहते हैं, और जो दूरी पर इस तरीके से स्प्रिंग लगी होती है उसे विरल कहते हैं, ठीक है। आइए अनुधारित तरंग का उदाहरण समझेंगे अच्छे तरीके से। अनुधारित तरंग का उदाहरण मुख्य तौर पर क्या है, मतलब समझने के लिए, यदि किसी मुलायम स्प्रिंग को एक सिरे से दूसरे दीवार पर स्थित कर रहे हैं, वो दूसरे सिरे को तेजी से आगे या पीछे किया जाए तो स्प्रिंग के जगह पर संपीड़न तथा विरल बन जाता है। जैसे हम आपको बताएं, ये संपीड़न और विरल बन जाता है। आपको एग्जामिनर में इस तरीके से लिखना है, ठीक है, उदाहरण देकर और ड्राइंग बनाकर, तभी आपको अच्छी नंबर मिलेगी, नहीं तो ये BTP बोर्ड है, ठीक है। अब पढ़ेंगे ध्वनि तरंग क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, ध्वनि तरंग क्या है, ठीक है। ध्वनि तरंग क्या है, ध्वनि तरंग अनुधारित तरंग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, इसलिए ध्वनि तरंग भी संपीड़न तथा विरल के रूप में संचारित होती है, ठीक है, संचारित होती है। इसके कहने का ये मतलब है, देखिए ये विरल है, उस तरीके से हमने बनाया ना, ये ध्वनि ये विरल है, ठीक है, ये विरल, ये जो विरल, जो इसकी जो कतारें ध्वनि की होती है, जो मतलब मोटापन यहाँ रुक गया, ये लाइन लाइन बन गया, ये संपीड़न है और ये विरल है, ठीक है, विरल है। और दूसरा पॉइंट है, यह संपीड़न परतें अपनी मुख्य वायु के परतों के संपीड़न करता है, और यह संपीड़न की प्रक्रिया इस प्रकार से आगे बढ़ती है।
जो हमने दिखाया कि संपीड़न की प्रक्रिया किस तरीके से, इस तरीके से जो ध्वनि तरंग होती है, आप साफ तौर पर इस सबसे छोड़ छाड़ के आप साफ तौर पर दो ही एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या था कि अस्थिर जल में आप पत्थर मारेंगे तो जो उत्पन्न होगी ध्वनि तरंग, उसे इस तरीके से समझ सकते हैं। दूसरा, जो एक हाथ से दूसरे सिरे से रस्सी को हिलाने पर जो ध्वनि तरंग उत्पन्न होगी, इस तरीके से दो एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। संपीड़न के जो अंदर प्रकारें होती है, आयाम आता है उसका पढ़ेंगे। आयाम, आयाम माध्यम कण, एक सेकेंड, माध्यम माध्यम कोण का साम्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। ठीक है, और आयाम को ए से, आयाम को ए से प्रदर्शित करते हैं, और इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। देखिए, आयाम के इस डायग्राम से हम आपको समझाएंगे, ठीक है, कि का कहा आयाम, आयाम कहा कि माध्यम कण, मतलब ये माध्यम कण का साम्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। जो साम्य स्थिति से, मतलब ये स्थिर तरीके से चलता रहेगा दूरी इसी को, ठीक है, ये श्रृंखला होगा, ये गत गत होगा, जो मतलब ये ऊपर तक श्रृंखला है गत की बनेगी। ठीक है, इस तरह ये कह रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं आवृत्ति। आवृत्ति किसे कहते हैं? आवृत्ति, आवृत्ति माध्यम के किसी बिंदु से या बिंदु में वन सेंटीग्रेड में, मतलब वन सेकेंड में जितनी तरंग गुजरती है उसे तरंग की आवृत्ति कहते हैं। कहने का मतलब यह है, एग्जाम्पल पर आपको बतलाते हैं कि जब हम शांत जल में पत्थर मारते हैं तो उसमें जो तरंगे उत्पन्न होगी एक सेकेंड में, वह आवृत्ति कहलाती है। मतलब एक सेकेंड में जितनी तरंगे गुजरती है, मतलब गुजरती है इस तरीके से, वो आवृत्ति कहाएगी। ठीक है, वो आवृत्ति कहाएगी। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं, और इसका आवृत्ति का एसआई मात्रक प्रति सेकेंड या हर्ट्ज होता है। ठीक है, हर्ट्ज होता है। अब आता है आवर्तकाल। आवर्तकाल किसे कहते हैं? तो आवर्तकाल का ही अर्थ है समय, समय के हिसाब से। आइए देखते हैं आवर्तकाल का डिफिनेशन क्या है। तरंग के ऊपर स्थिर माध्यम का कण जितना समय में वन कंपन करता है उसे तरंग का आवर्त कहलाता है। कहने का मतलब इसमें भी यही है प्रोसेस है कि वे तरंगे, ठीक है, वे तरंगे जिस स्थिति के माध्यम से, मतलब वन सेकेंड में जो कंपन उत्पन्न होगी उस तरंगों को आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं, मतलब समय, समय से प्रदर्शित करते हैं। मतलब आपको मालूम हो रहा है कि समय, आवर्त, टाइम, आई एम द टाइम, द पुरुष वर्ड, मतलब कि इसको टाइम से मतलब पजमेट करते हैं। जितने कम समय में इसमें भी तरंगे उत्पन्न होगी, ठीक है, इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक सेकेंड होता है। आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है? आवर्तकाल का फॉर्मूला देखिए, आवर्त बराबर वन बाई आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति और आवर्तकाल सेम ही है, फर्क बस इतना ही है टाइम और टेम। ठीक है, टी बराबर वन बाई एन एक कह सकते हैं, या एन बराबर वन बाई टी भी लिख सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तरंग गति चाल। ठीक है, तरंग गति चाल क्या है? कोई तरंग किसी माध्यम में वन सेकेंड में जितना दूरी चलती है उसे तरंग की चाल कहते हैं। ठीक है, चल कहते हैं, मतलब वन डिग्री से वन सेकेंड में जितनी दूरी तय करेगी उस तरंग को तरंग गति चल कहते हैं। ठीक है, इसे भी से प्रदर्शित करते हैं, और इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। माना कि आई एक मेथड है, ठीक है, इस पर ये पूछता है कि मानकर इसका बनाना हो तो मानते हैं इसका फॉर्मूला कैसे। माना कि 30 सेकेंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी लेमडा, वन सेकेंड तरंग द्वारा चली गई दूरी लेमडा बाई टी है, तो तरंग गति बराबर लेमडा बाई टी होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला बनेगा कि भी बराबर लेमडा अपॉन टी बराबर इंटू लेमडा से मल्टीप्लाई होगा वन बाई टी से, तो निकलेगा लेमडा इंटू एच। ठीक है, और भी बराबर
लेमडा अपॉन टी बराबर एच अपॉन लेमडा, ठीक है, ये निकले मल्टीप्लाई करने पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब आता है तरंग धैर्य किसे कहते हैं। तरंग धैर्य एक अवर्त में तरंग द्वारा चली गई दूरी तरंग धैर्य कहलाती है, इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है, ठीक है। फ्रेंड इस चैनल पर नए होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए, अपने फ्रेंडों के पास शेयर करिए। अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड का नोट से ये हाथ से लिखा हुआ, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। समतल प्रगामी सरल आवर्त तरंग क्या होती है, ठीक है, आइए देखते हैं क्या होती है। होता है यदि किसी माध्यम में हम लगातार तरंग उत्पन्न करते रहें तो माध्यम के कण भी लगातार कंपन करता रहता है। यदि कंपन की आवृत्ति आयाम तथा गति निश्चित रहे तथा समय के साथ न बदले तो इस प्रकार की तरंग को समतल प्रगामी तरल प्रगामी सरल आवर्त तरंग या सरल प्रगामी तरंग कहते हैं। कहने का इसका मतलब यह है फ्रेंड कि इसके कहने का यह है कि जब हम किसी भी माध्यम में हम लगातार तरंग उत्पन्न करते हैं, मतलब कि हम जैसे एग्जाम्पल में कि जल में लगातार पत्थर मार के तरंगे उत्पन्न करते हैं तो उस माध्यम के जो कण हैं लगातार कंपन करते रहेंगे, तो यदि कंपन की आवृत्ति आयाम तथा गति निश्चित रहेगा, मतलब जब लगातार कंपन होता रहेगा, ठीक है, तो उसकी जो आयाम होगी तथा गति होगी वो सेम निश्चित बराबर रहती है, ठीक है, निश्चित रहेगी और समय के साथ न बदले तो इस प्रकार की तरंग को समतल प्रगामी तरंग आवर्त तरंग कहलाते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि मेरा समय है 1 और उस समय के हिसाब से वो न बदले तो प्रगामी तरंग, मतलब कहने का मतलब है कि वहाँ 1 मिनट में इस दूरी पर मुझे जाना है, ठीक है, तो इस समय से न जाकर हम दूसरे समय में जाकर हम परिवर्तित हो जाते हैं तो उसी को हम कहते हैं प्रगामी सरल तरंग, ठीक है, या सरल प्रगामी तरंग, ठीक है। इसी तरह ध्वनि में है, ध्वनि में यही है और जल में पत्थर मारेंगे तो ये होगा कि ना दूरी जाकर ये परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, ये करने का आपको ड्राइंग के माध्यम से समझाते हैं अच्छे तरीके से। एक मेथड विधि भी है, ठीक है, ये आता है 5 नंबर में लिखने के लिए, अप्लाइड फिजिक्स में आया था हम लोग के टाइम में, 5 नंबर में आया था ये, ठीक है, तो हो सकता है आप लोग के भी टाइम में ये आ सकता है क्योंकि बार बार ये 5 साल से क्वेश्चन रिवाइजिंग होते जा रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं ड्राइंग के माध्यम से। एक हम लिए, ठीक है, एक दीवार लिए, ठीक है, यहाँ से P से Q और H T और T से TX तक जाता है दूरी, तो इस तरंग को जो भी हमने पढ़ा है प्रगामी तरंगे समतल प्रगामी तरंगे उस तरंग का ये उदाहरण, ठीक है। आइए आपको मैथड विधि से समझ में आ जाएगा। लिखेंगे हम 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे हम कि माना कि समीकरण में आता है 5 नंबर में, ठीक है, लिखेंगे कि माना कि किसी सरल प्रगामी तरंग आयाम ए है और आवर्त टी है और तरंग धैर्य लेमडा है और तरंग गति जो भी है, ठीक है, तो इसका मेथड विधि क्या होगा आइए देखते हैं। लिखेंगे मेथड विधि इसमें इसका क्या होगा, लिखेंगे तथा कोण आवृत्ति बराबर डब्लू, यदि किसी समय टी पर मूल बिंदु पर स्थित माध्यम के कोण पी का विस्थापन वाई बराबर ए साइन यू टी हो तो मूल बिंदु से एस बराबर एक्स की दूरी पर स्थित कोण एस पर तरंग एस अपॉन भी देर पर बदल पर पहुंच जाता है। कहने का मतलब यह है जब एस है इस दूरी से, ठीक है, इस दूरी से एस टी तक पहुंच जाता है, ठीक है, पहुंच जाता है, इस दूरी को ही कह रहा है कि देखेंगे कि पहुंच जाता है तो लिखेंगे फिर कि अर्थात कोण एस कोण पी से एस अपॉन बी सेकेंड तक पहुंचता है और तरंग एस टी की दिशा में गति कर रहा है, तो इसलिए कोण एस का और टी समय पर विस्थापन का समीकरण ये होगा
लिखेंगे कि y बराबर a साइन w इंटू टी माइनस एक्स अपॉन वी होगा। दूसरा होगा y बराबर a साइन 2 पाई n इंटू टी माइनस एक्स अपॉन वी, ठीक है। तीसरा होगा y बराबर a साइन 2 पाई इंटू टी एन माइनस एक्स अपॉन एन वी होगा, ठीक है। इसका मूल, इसका मेन फार्मूला क्या निकल के आएगा, ठीक है। इसका मेन फार्मूला ये निकल के आएगा कि जब y बराबर a साइन टू पाई इंटू टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा, ठीक है। चूँकि वी टी बराबर लेमडा है तो लिखेंगे, ये मेरा मेन फार्मूला आएगा। तो आपको मेथड नहीं सॉल्व करना है, तो आपको जब पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि समतलीय प्रगामी सरल आवर्त तरंग की सूत्र लिखें या समीकरण लिखें, तो आप समीकरण में ये लिखें या सूत्र में लिखेंगे कि y बराबर a साइन 2 पाई इंटू टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा, ठीक है। लिखने के बाद पांच नंबर में जब आया है क्वेश्चन, तो आपको ये भी लिखना है सिद्ध करके कि यह उस सरल प्रगामी तरंग के विस्थापन का सामान्य समीकरण है जो मूल बिंदु से x दूरी पर स्थित है और तरंग एस टी की दिशा में गति कर रहा है। जो अभी हम लास्ट में सिद्ध किए हैं, कह रहा है मूल बिंदु से x दूरी पर टी एक्स रहता है, जो ये मेरा मूल बिंदु है, ठीक है। यहाँ से लेकर और एस टी तक दूरी जो कर रहा है, इस दूरी को ही प्रगामी सरल तरंग कहते हैं, ठीक है, प्रगामी तरल सरल। आइए नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। यदि इसका मेन लिखेंगे सूत्र में, क्या लिखेंगे आप, यदि तरंग एक्स दिशा में गति कर रहा है, जो एक्स दिशा था यहाँ से एक्स दिशा में मतलब आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो वाई साइन टू पाई इंटू टी अपॉन लेमडा होगा, ठीक है, ये होगा, ठीक है। आप लोग का ये होमवर्क है, इसको आपको कमेंट में आंसर अभी दें। आंसर क्वेश्चन क्या है कि सरल आवर्त प्रगामी तरंग का समीकरण क्या होगा, ठीक है, सरल आवर्त प्रगामी तरंग का समीकरण क्या होगा, ठीक है। आपको इसका आंसर, क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंडों के पास। जो फ्रेंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये हाथ से लिखा हुआ है नोट्स, ठीक है। जय हिंद फ्रेंड।